नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे पुदीने की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी चटनी, जो खाने में तो टेस्टी होती है और उसे बनाना भी बहुत आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है हरा पुदीना। मैंने एक बेस्ट एक गड्डी जो आती है पुदीने की, मैंने उसे ले लिया था और इसे तोड़कर अच्छी तरीके से धो करके मैंने इसे रख लिया है। एक हमने टमाटर लिया है, आधा नींबू, इसका रस इसके अंदर हम डालेंगे। दो हरी मिर्च लिया है हमने, तीखा आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। एक टुकड़ा अदरक का हमने लिया है, दो लहसुन की कलियां और एक छोटा प्याज मैंने काट लिया है। अगर आपको इन सब चीज़ों में से कोई चीज़ ना पसंद हो तो उसे हटा सकते हैं। एक चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। इस तरीके से एक बार आप चटनी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आधा छोटा चम्मच हमने काला नमक लिया है और आधा छोटा चम्मच हमने सादा नमक लिया है। तो आइए इसे फटाफट बना लेते हैं। तो हमारे पास जो टमाटर है इसे हम छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और हरी मिर्च को भी थोड़े छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। अदरक को भी काट लेंगे और इसके अंदर लहसुन की कलियां भी डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे। और इसे पीसने के लिए हमने मिक्सर जार लिया है, इसके अंदर इन सारी चीजों को डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें नमक डाल देंगे, चाट मसाला और नींबू का रस भी डालेंगे। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे, जो इसका बीज होगा इसे हम बाहर निकाल देंगे और इसका बीज हम निकाल देंगे। और इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, हमें इसके अंदर पानी नहीं डालना है। और इसे हम बारीक पीस लेंगे। चटनी को चेक कर लेते हैं और हमारी बहुत ही मस्त चटनी इसकर तैयार हो गई है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए। इसे हम बाउल में निकालते हैं। आप इसे रोटी, चावल, पराठे, पूड़ी, कचौड़ी या फिर समोसे के साथ खाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल देते हैं और पुदीने के पत्तों से इसे हम गार्निश कर देंगे। और ये हमारी पुदीने की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इस चटनी को आप जरूर बनाइए और इसे टेस्ट करके हमें जरूर बताइए कि ये चटनी आपकी कैसे बनी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट में जरूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।